एक बार फिर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले शिवराज ने दिया इस्तीफा, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आए दिन बीजेपी के नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस व अन्य दलों का दामन थाम रहे हैं, जिससे बीजेपी को लगातार झटके पे झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि नेताओं का दल बदलने का सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो आने वाले आगामी चुनाव में भाजपा को कड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है कि वह अपने नेता और मंत्री को मनाए रखें, जिससे पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी ना हो। लेकिन इस बीच मंडला विधानसभा सीट से टिकट वितरण को लेकर नाराज भाजपा नेता पूर्व विधायक सिराज शाह शिवा भैया ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि पार्टी द्वारा लगातार उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। शाह ने आरोप लगाया कि पूर्व में संपन्न हुए चुनाव में भी उन्हें हराने का षड्यंत्र भी किया गया। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सिराज शाह की अच्छी पकड़ है। उनके बागी होने से पार्टी को नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सिराज शाह निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं और पार्टी भी बना सकते हैं। वहीं इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी ने कहा है कि उन्हें मना लिया जाएगा।